बार विद स्टार परिवार के मंच पर आए हैं रणबीर कपूर यानी कि शमशेरा और उनके साथ हैं वाणी कपूर जिन्होंने लूटा सभी परिवार वालों का दिल। कोई बात नहीं, क्या लगता है कितना लेकर आई हैं आप? कुछ तो लेके आए होंगे। कुछ तो लेकर आप आई है, लेकिन एक अंदाजा गेस कर सकती हैं आप कितना लेकर आई हैं? बस जीत की खुशी लेके आए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या है। तो अर्जुन आ गया है शमशेरों का गिरोह, और क्योंकि मैं इस फिल्म में जो किरदार निभा रहा हूँ वो एक डाकू है, एक डकैत है, तो आदत से मजबूर हूँ, आया हूँ, कुछ तो लूटना पड़ेगा। तो जो रविवार बैंक की जो कुछ रकम थी वो मैं चुरा लिया है मैंने, और ये किसी की अमानत है तो अभी मैं वापस देना चाहता हूँ। किसकी अमानत है? आपकी अमानत। कपूर खानदान के डोडा बर्फी को देख के हमको तो लग रहा है मिल गया सर्फी। अरे वाह, डायलॉग। आप पोनी मारते हैं ना, मुझे भी मार दो। सजदे में यूं ही झुकता हूं, तुमसे ही आके रुकता हूं, क्या ये सब तो होता। रणबीर कपूर के लिए आपने स्पेशल कोनी जो ऐसे छूट करी है। ये कोनी गुड लक के लिए है। ये गुड लक के लिए, वानी चाहती है उसे भी कोनी दे। हम दोनों को बहुत जरूरत है। वाओ, आपने उन्हें दी कोनी, उन्होंने दी आपको कोनी। और वो सबसे अलग अगर देखा जाए तो हम शमशेरा को जीत लिए। हमको क्या लेना है सबसे, उनसे ही सब बातें, अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ। नीला आंटी थोड़ी हवा दे दूं, बहुत गर्मी हो रही है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर द सुपरस्टार रणबीर कपूर एंड ऑफ कोर्स द घुंघरू गर्ल वाणी कपूर। आप इतने बड़े सुपरस्टार हो, आज आप रविवार विद स्टार परिवार में स्टार परिवार के साथ है, आपको कैसा लगा? आई एम वेरी वेरी हैप्पी, यहाँ पे इतने प्यार से हम लोगों को वेलकम किया है, और अभी तो खेल शुरू होगा तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज आई हैव हर्ड यहाँ बहुत मस्ती होती है, एंड आई एम जस्ट डिबेटिंग कि कौन सी टीम कहाँ किसके साथ जाएगी। देखिए ये इमली परिवार है, वो अनुपमा परिवार है, दोनों इतने प्यारे हैं, दोनों इधर, वो है ही नहीं इधर। देखिए मैंने भी डिसाइड कर लिया, एक्चुअली मेरे दिल में बहुत इज्जत है पूरे स्टार परिवार के लिए, बट आज मैं यहाँ अनुपमा जी का आशीर्वाद लेने आया हूँ, क्योंकि जैसे मैं जानता हूँ आप जिसकी भी नज़र उतारते हैं, आप जिसको भी आशीर्वाद देते हैं, वो आप वो सोना बदल जाता है,
एंड आज क्योंकि हम अपनी फिल्म शमशेरा का प्रमोशन शुरू कर रहे हैं तो वुड रियली लाइक योर आशीर्वाद और आप हमारी भी नज़र उतारे तो हम भी पीतल से सोना बन जाए. ये लीजिए जी. साथ में मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे इतने खूबसूरत अदाकार की आरती उतारने का मौका मिल रहा है. मैं खुद आज गदगद हूँ बिल्कुल. बस भगवान आप दोनों को सारी खुशियाँ दे. थैंक यू मैम. आपके सारे पूर्वज आप पे आशीर्वाद बरसाएं. यही भगवान से मनोकामना. फिलहाल मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए. बट अर्जुन मैं एक और बात बोलूं कि मेरा जो परिवार है स्पेशली मेरी मॉम वो इतनी बड़ी फैन है स्टार परिवार का एंड शी इज अ वेरी बिग फैन ऑफ योर शो अनुपमा. तो मैं दिल से चाहूंगा अगर आप मुझे अपनी टीम में एक्सेप्ट करें. ये तो हमारा सौभाग्य होगा. चलो डन. सॉरी वानी एंड सॉरी इमली की टीम. कोई नहीं बड़ा नहीं. बट मैं आपको भी एक शेरनी भेज रहा हूँ. शमशेरी शमशेरी. और यहाँ पे ऑलरेडी एक शमशेरी है. कोई बात नहीं है. इमली की फायर अभी वानी कपूर की फायर हम आग लगा देंगे. तो आइए हमारे परिवार में आपका स्वागत है. इतना भी कॉन्फिडेंस मत रखो. आपकी आपकी हेल्प चाहिए होगी. इट्स द टाइम टू डिस्को. आपको पर ये तो आलिया का गाना ही नहीं है. तो नहीं है. एग्जैक्टली वो नहीं है ना. हम मिसलीड कर रहे हैं. कर गई चुल लड़की ब्यूटीफुल कर गई. नहीं 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 चुल नहीं. हाँ ये पता है मुझे. ये डिस्को दीवाने. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. फाइन. यस यस. डिस्को दीवाने. आ जाओ आप आ जाओ आप आ जाओ. क्या हुआ है क्या खबर यही पता है. अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ इश्क वाला लव. मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी है आंखें बल के मैंने देखी है सुबह हुई धूप ज्यादा लेके तेरी रोशनी दिन चढ़ा इश्क वाला जाके बादलों के जाली के पीछे से करे शादी नहीं है मुझको इंतजार लेकिन दूर सारा चांद मेरा ये छुपा छुपा हुआ इश्क़ वाला.
इश्क वाला आ किधर लेकर गया वो ये गलत है बैचलर है बैचलर है अभी तक अभी मेरे मामा जी हमारे बैचलर है हेलो तो मैं चाहता हूँ रणबीर की आप इन्हें कुछ सिखाएं ओके जिससे राखी इनके जीवन में आए ये वाली नहीं ये वाली आइए आप भी आ जाइए तो मेरे पास ऐसे तीन आइडियाज है तीन आइडियाज है जो हम कोशिश करेंगे प्रपोज करें जी बिल्कुल लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप कैसे ये सब कर लेते हो यार माने क्या है माने किसी के साथ पहचान बनाना फिर बाद में प्यार करना बाद में उसके साथ शादी करना और सुनाई का भी तो बच्चा भी आने वाला है पहली पहला कोशिश करें प्रपोजल का जैसा होना चाहिए ये जो हाथ है हाँ. तो पहले आप इधर डालो अंदर इधर हाँ अपना दिल ढूंढो किधर हाँ. है किधर है किधर है किधर 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 है किधर हाँ मिल गया इधर इधर है ना धक धक अभी निकालो दिल निकालो दिल निकालो धक धक कर रहा है धक धक कर रहा है हाँ अभी इनके कदमों पे डालो कभी ऐसा होता था नहीं अभी देखते क्या करते मामा जी ने दिल ऐसे फेंक दिया कुछ कुछ हुआ नहीं सेकंड तरीका सेकंड लेकिन मैं तो मर गया ना नहीं अब क्या करूं फुल वापस आएगा ये तो बाईपास सर्जरी हो गई बाईपास ये वापस ले लीजिए दिल अरे अभी धक धक करो उसको अखी बाईपास थी सेकंड तरीका जो मैं बोलूंगा आप मेरे बाद सेम रिपीट करना ठीक है तू ना मुझे बड़ी हॉट लगती है मुझे बड़ी हॉट लगती है कूल भी है कूल भी है हॉट एंड कूल एट द सेम टाइम हॉट एंड कूल एट द सेम टाइम गर्लफ्रेंड बन जा मेरी यार गर्लफ्रेंड तो तब बनती जब आपका नाम जनार्दन होता यार इनके पास भी लाइन पे लाइन है एक लास्ट ट्राई करते हैं हाँ कुछ फील आ रही है रोमांटिक वाली फील आ रही है वो थोड़ा वो शाहरुख खान जैसा एक हाथ फैला दो हाथ फैलाने को कहा है मामा जी आपको कुछ फीलिंग आ रही है आप भी ऐसे करिए ना तो शायद आ जाए नहीं आगे वालों को देख के फीलिंग लाओ अच्छा एक काम करो तो आप ये हाथ पीछे डाल दो मैं आपके हाथ बन जाता हूँ हाँ अभी आप उनको देखो हाँ. और डायलॉग बोलो राखी आई लव यू क्या तुम मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ दोगी रणबीर का हाथ है ले ले सर ये
अरे यार क्या बात है, क्या बात है, मैंने लाइन बना दी आपने यार। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। बस एक बार शादी करवा दो पक्का। बस जैसे जब तक ये एपिसोड खत्म होगा बच्चे भी करवा दूंगा। स्टार परिवार में हर कदम पे मिली गलत वो सही समझ के जो भी करे तुम कहते हो गलत वो गलत है तो फिर कौन सही खेलने की भी क्या वो तुम सबको अर्जी दे आपको तो अपने टैलेंट पे मुझसे भी ज्यादा शक है की बहु तेरी क्यों सुनो क्यों सबकी नजर उतारे लंबे लेके कुछ नाए इमली एंजॉय करे तो तुम रक्षक क्यों बन जाए तेरा बन राज तेरी लीला तू ही रख इमली का हक है तेरा इमली का हक है तेरा इमली का हक है तेरा वाह 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 क्या बात है। वेरी नाइस वेरी नाइस बहुत मस्त किया। लवली अमेजिंग अमेजिंग बहुत अच्छा किया। जोरदार तालियां आर्यन जॉर्डन के लिए। यो ओ मेरा करियर बच गया अगर इसने पहले 6 साल पहले किया होता तो शायद इम्तियाज स्कूल ले लेता। बट थैंक यू, यू आर अमेजिंग, फिनोमिनल, सुपर्ब, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, आई लव यू। रणबीर वाकई में देश के यू नो वन ऑफ द टॉप एक्टर्स है और इतने टैलेंटेड। अर्जुन यहाँ लोग जानते नहीं है कि आप और मैं एक्चुअली बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हम सेम स्कूल में थे, हम सेम क्लास में थे, हम फुटबॉल में सेम हाउस में भी थे। अच्छा, रेड हाउस। वाह। एंड इट फील्स सो ग्रेट टू सी एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग एंड द फैक्ट दैट यू आर अ फादर एंड यू आर सच अ ग्रेट होस्ट एंड ऑल द वर्क दैट यू डू आर रियली हार्ट वार्मिंग टू सी अ कलीग ऑफ माइन अ फ्रेंड ऑफ माइन डू सो वेल। थैंक यू यार। कहाँ से हो? जहाँ से भी है गले मिल रहे भाई। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लगे तब से दीवाना हुआ सबसे आप मेरे लिए बहुत ही ऊंचे दर्जे के एक्टर हैं। आप बहुत ही अच्छे अदाकार हैं। यहाँ पर आपके साथ में खड़े होना भी बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए। क्या बात कर रहे हो आप? सच में बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर अनुपमा परिवार में जैसे जिस तरह से इन्होंने मुझसे प्यार किया शिद्दत से 27 सालों से और फिर इंतजार करके अनुपमा से ही शादी की
तो वैसे ही आपने भी शिद्दत से प्यार किया और उसे शादी का मुकाम दिया उस प्यार को। तो अब आपके जिंदगी में एक और बहुत बड़ा पड़ाव आने वाला है, शादी में एक और बड़ा पड़ाव आने वाला है, आप माता पिता बनने वाले हैं। माता पिता बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये हम सब जानते हैं। माता पिता का दर्जा भगवान के करीब होता है और उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी पति पत्नी में से कोई भी एक भी जरा सा भी चूका या जरा सा भी हट गया अपनी जिम्मेदारी से, तो एक के ऊपर पूरा का पूरा भार आ जाता है। मेरे तीन बच्चे मैंने बड़े किए हैं, तोसु है 26 साल का, समर है 23 साल का और ये पाखी है 18 साल की। तो इन्हें मैंने बड़ा किया है और अनुपमा को एक माँ का दर्जा स्टार प्लस स्टार परिवार में भी मिला है। तो अगर आप कहें तो मैं आपको थोड़ी चीजें बताऊं। मैं एक्चुअली जब से ये मेरे जिंदगी में हुआ है, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि जो अंदर की जो फीलिंग मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ मुझे सिर्फ गुड नहीं, बेस्ट नहीं, सबसे बेस्ट बनना है। तो आप मुझे कुछ मदद देंगे, कुछ मेरी हेल्प करेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो प्लीज ये स्वीकार है। जरूर, बिकॉज संतान के साथ जो आपका रिश्ता होता है वो सबसे ज्यादा प्योर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो देखेंगे आप टेलीविजन पे पहली बार बेस्ट पापा बनने की ट्रेनिंग लेने वाले हमारे शमशेरा, यानी कि और अर्जुन। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आले और मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया है कि हम क्लासेस लेंगे, ये करेंगे, बट इससे बेटर क्लास तो हो ही नहीं सकता। चलिए ट्रेनिंग का सामान लाया जाए। बच्चा रोने लग जाएगा, हटा। बच्चे को धीरे धीरे लाना पड़ता है। ये रही अनुपमा जी, मुझे हमेशा क्या डर लगता है, हाँ, कि जब बच्चा भी पैदा होता है तो सही तरीका क्या है, मतलब आप पकड़ते कैसे, क्योंकि उनकी जो गर्दन होती है, बैक, हाँ, होता है, मुझे इतना डर लगता है कि जो भी मेरे दोस्त के बच्चे हुए हैं तो मुझे पता नहीं कि पकड़ूं कैसे। आपका दिल आपके शरीर से बाहर जो चलता है वो है आपकी संतान जी। सबसे पहले जब बच्चा होता है तो उसे पहले तो ऐसे गर्दन से पकड़िए। गर्दन से यहाँ से। अच्छा, मतलब हमेशा गर्दन के नीचे सपोर्ट रहेगा। ओके, ये ऐसे। क्योंकि पहले 3 महीने बच्चे की गर्दन जो होती है वो बहुत नाजुक होती है। हाँ, उसके बाद सबसे ज्यादा ड्यूटी होगी रात जागने की। जी, प्रिपेयर्ड हूं मैं। हाँ, मतलब आपको रात को नींद नहीं आएगी तो जितना सोना है आप सो लीजिए, अभी ना, अगले 2 साल का पूरा अभी कर लीजिए नींद। और फिर डायपर, जितनी बार भी डायपर चेंज करेंगे कम पड़ेगा। ओके, हाँ, बिकॉज ऐसे कोई टाइमिंग नहीं होता कि अच्छा अब करेंगे, वो तो बार बार करना पड़ेगा। जी, और जैसे ही गीला होगा आपको चेंज करना है। ओके, और वो कैसा पता चलता है? वो रो देते हैं। जैसे ही गीला होगा तो वो बता देंगे। हाँ जी, आपको भी वो गीलापन महसूस होता है जब आपके गीलापन, आपने सूंघने की शक्ति सब तेज हो जाएगी। माता पिता बनना ऐसा थोड़ी है जी, बहुत खास है। तो अभी जब मैं आपको दे रहा हूँ तो कैसे दूं? ऐसे ही दीजिए और ऐसे आएगा, उनका हाथ जाएगा। वेरी गुड, अब लीजिए, ये सीख लिया। कितनी सी हंसी, कितनी सी खुशी, कितना सा टुकड़ा चांद का। अभी अगर मेरे को गोद में लेना है तो ऐसे ले। हाँ, तो छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया। नहीं, धीरे धीरे। हाँ हाँ, धीरे धीरे करके यहाँ पर रखिए। मेरी बेटी।
ओके पता चल गया कि उनको बेटी चाहिए बिकॉज़ उन्होंने कहा ले मेरी बेटी। मुझे तो बेटी ही चाहिए, मुझे तो बेटी ही चाहिए, आलिया को बेटा चाहिए। क्या बात है। अब इनके कपड़े, अब डायपर। डायपर तो पहले तो ये ऐसे पैर उठा के जी डायपर नीचे रखना है। ओके फिर जब ये आपने पहना दिया थोड़ा सा लगाइए इसे पाउडर। पाउडर लगाइए कॉम पे भी, यहाँ लगाइए। फिर ये जो सामने का हिस्सा है इसे यहाँ लेके जी, तो यहाँ स्टिकर है जी। हाँ जी निकालिए। ये निकाला और इसे टाइट पहना दीजिए। ये हो गया डायपर जी। बस अब दूध पिलाने की बारी। तो मैं फिर से संभल के बराबर नेक के नीचे जो है रणबीर ने हाथ डाला है। क्या बात है, धीरे धीरे ले गया है। वेरी गुड रणबीर। मैं स्टाइल से खोलूं। अरे बच्चे के सर पे लग जाएगा रणबीर। सॉरी सॉरी सॉरी। तो पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हाथ पे डाल के देखना है कि ये दूध पिलाने लायक है कि नहीं। ओके। बच्चे को कुमकुमा दूध देते हैं जी, ज्यादा गर्म नहीं ठंडा नहीं। फिर हाथ पे ऐसे डाल के देखना है। टेस्ट करूं? हाँ, टेस्ट भी कर। अच्छा है। अच्छा ठीक है, लीजिए पहले। धीरे 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 करके सूरज रणबीर अभी आप इस बच्चे को यहाँ छोड़ दीजिए। हमारे पास एक रियल बच्चा है जो वहाँ ऑडियंस में बैठा हुआ है। हेलो बेबी, कैसे हो आप? मैं लेकर आता हूँ फिर आपको देता हूँ। okay. ठीक है। Oh, it's a real baby. रणबीर आराम क्या आप अपनी घड़ी उतार देंगे प्लीज? बिल्कुल। डोरी खींची डोरी पलने के तूने मोरी मेरे सपनों को झुलाया सारी रात। बेटा तेरी किस्मत, तुझे रणबीर कपूर ने गोद ले लिया। क्या उसका नाम क्या है? अभीर। अभीर 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 अभीर। हाय अभीर, आप स्टार परिवार पे आए हो। अभीर हाय। हाय सो क्यूट। मैं इसको इसको ले जाऊं मैं? मम्मी के पास जाना है। बड़ा दूध पिलाने के बाद का बहुत जरूरी काम है। क्या? बर्पिंग। बर्पिंग। यहाँ आपको हाँ यहाँ पर हाँ थपकाना है धीरे धीरे, ऐसे भी कर सकते हैं। वो फोर्स कितना होगा? अच्छा ऐसा ऐसे वो कर भी ऐसे ऐसे। और ये बहुत जरूरी है राइट? हाँ जी बहुत जरूरी है, बर्पिंग तो बहुत ही जरूरी है। आ जाओ मम्मी के पास जाना है। मम्मी मैं क्या ट्रेनिंग हुई है यार, वाह वाह अनुपमा जी, सैल्यूट है आपको। बस बस एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ आपने नजर तो नहीं उतारी इसकी? अरे तो हाँ। बहुत बुरी बात है। हाय अभी बेटा Oh,
बाय अबीर, सुनाई जाना, सुनाई जाना, बाय थैंक यू। बस कुछ ही महीनों में आपका अपना होगा गोद में। ये लीजिए आपकी घड़ी, थैंक यू। और अभी अनुपमा जी जो है आपको ये अवार्ड देंगी। दुनिया के सबसे अच्छे पिता रणबीर कपूर अवार्ड बाय द एंटायर फैमिली ऑफ रविवार विद स्टार परिवार सुपर डैड सबकी तरफ से। आपने बड़े सारे अवार्ड लिए होंगे, ये पहला है पिता का। थैंक यू जी। और ये रहा हैम्पर। ओहो, इतने सारे गिफ्ट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बस इनके घर में लड्डू गोपाल के कदम पड़ेंगे या छोटी राधा राधिका के कदम पड़ेंगे, उसके लिए बड़ी सारी प्रार्थना और बड़ी सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसी बात के साथ रणबीर कपूर के छोटे वाले के लिए एक साथ बोलते हैं गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। चलिए वेरी गुड, थैंक यू सो मच अनुपमा जी, रणबीर थैंक यू सो मच। नहीं मेरा है। अनुपमा परिवार का मानना था कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वो आज हमने देख लिया। पहले दो राउंड हारे लेकिन रणबीर कपूर ने बाद में जो वो शमशेरा बने तो सारे गाने लूट लिए और ठीक से गाए उन्होंने, बिल्कुल बजर दबा दबा के फाइनल राउंड में वो गए रविवार बैंक में और जीत कर रहे हैं 2,00,000 रुपए। ये ले लीजिए आइए परिवार जी। साथ ही में इस एपिसोड के विनर है अनुपमा परिवार। ठोको सलाम ठोको, अरे सुबह शाम ठोको, देखो